खूबसूरत है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और जैसे कि कुछ दिन पहले भी ब्लॉग मैंने आपको बताया था कि हमारा भी बहुत जल्द एक ट्रिप होने वाला है, तो ट्रिप कहाँ का था तो मैं आज बता देती हूँ। भाई हम लोग जा रहे हैं फैसलाबाद। हमारा ये ट्रिप कोई ज़्यादा लंबा तो है नहीं, बस 1 से 2 दिन तक का, ज़्यादा ना है, सिर्फ 2 दिन तक का यानी। तो ये हमारा ट्रिप है और ट्रिप में भाई जिस जिसने हमें मिलना है ना तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर ले। तो अभी बस थोड़ी सी देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और तैयारी शहर तो भी मैंने रात से ही कर ली थी। जो भी मेरी पैकिंग थी ना बच्चों की, मेरी, शोर की, तो भी सब की सब मैंने करके रख दी है। थोड़ा बहुत सामान था, कोई ज़्यादा नहीं था। मैंने कहा बस सुबह सुबह उठेंगे तैयारी करके और रवाना शुरू, क्योंकि जाहिर सी बात है फैसलाबाद हमारे यहाँ मुल्तान से ना काफ़ी दूर है। मेरे ख्याल में कोई 4 घंटे हमें सफ़र पे लग जाएंगे, क्योंकि मोटरवे पे टाइम नहीं लगता, लेकिन ये कि जो सिटी वाले सफ़र होते हैं ना इसमें बड़ा टाइम लगता है। तो 4 घंटे का सफ़र है, हमने कभी यहाँ से जल्दी निकलते हैं ताकि दिन दिन में वहाँ पे पहुँचेंगे और दिन दिन में फैसलाबाद को हम लोग देखेंगे। तो अभी जो है ना भाई मैं भी रेडी शेडी हो गई हूँ, शोर भी रेडी हो गए, तो कि मैंने बच्चों को रेडी करना है तो बच्चों को रेडी करते हैं। और मौसम जो है ना इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, इतना प्यारा हो रहा है क्या बताएं। कुछ दिन से भी इतनी कड़क धूप थी लेकिन ना आज मौसम बड़ा सर्द है, इतने बादल हो रहे हैं बहुत ज्यादा, हो सकता है कि दोपहर तक बारिश भी हो, लेकिन हमारा इरादा है कि भी बारिश से पहले पहले हम लोग निकल जाएं। हाँ, बारिश से पहले रवाना हो जाए और फिर सफर भी करना है। 3 घंटे का सफर है, फंस जाना है। 3 से 3.5 घंटे का सफर जो है ना वो पक्का है। तो बेगम रेडी हो चुकी है। कैसी लग रही है बताएं आप सब? क्या बात है बेगम, ये मैंने स्पेशली ड्रेस अपना मेरा एक रखा हुआ था, मैंने कहा मुझे दर्शन को कहा मैंने जल्दी से स्टिच करके दो, मैंने ना अर्जेंट में कहीं जाना है, तो उसने ना 1 दिन के अंदर मुझे स्टिच करके दिया है। मैंने कभी सामान रखते हैं गाड़ी में, ले आओ बैग। मैं नहीं, आधा सामान रख दिया, बस बैग रखना है वो रख लेते हैं। चलो भैया आ जाओ, मैं बच्चों को तैयार कर लेती हूँ जल्दी से। अभी बेगम तो दूध बॉयल करने में लग गई है, बच्चों का दूध साथ ले जाना है ना। जाहिर सी बात है सफर में फिर हम कहाँ ढूंढेंगे बॉयल दूध, तो दूध तो आया पड़ा था, मैंने कहा बॉयल करके ना इसको जल्दी से ठंडा कर लो। चलो बेगम तो दूध बॉयल कर लेंगे, जो जो चीजें तुम्हारी जरूरत की है ना वो सब ले लेना, भूल ना जाना फिर बाद में। दो रास्ते पे तंग नहीं करना। चले रेडी शेडी हो गए सब लोग और अभी हमारा टाइम हो रहा है चलने का, चलते हैं। हाँ, फिर लेट हो जाएंगे, फिर शाम तक पहुंच जाएंगे। 10 से ज्यादा टाइम हो रहा है। ठीक है, सारा सामान भी रख लिया, गाड़ी भी निकाल ली हमने और घर भी लॉक हो गया, जो कि मेरी हेल्पर वो आती है 9 बजे तो वो सफाई कर रही है। हमने अब्बू जी को कहा अब्बू जी आप थोड़ी सी देर खड़े हो जाओ, वो ये कि जल्दी जल्दी सफाई करके अपना काम करके चल जाएंगी, ये ना हो कि हम जाएं पीछे से घर भी ख़राब हो, वो भी गलत बात होती है। तो पीछे सफाई भी हो रही है, काम भी हो रहा है और साथ में भाई हम अब थोड़ा थोड़ा सूरज निकल रहा है, वैसे बारिश भी आएगी रास्ते में लग रहा है। आएगी, बिल्कुल आएगी, अभी थोड़ी सी आई है फिर सूरज निकल गया, हो सकता है दोबारा आए। बस अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग घर से रवाना हो गए और हमारा जो सफ़र है ना मोटरवे का वो जस्ट थोड़ी सी देर में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले जो हमारा सफ़र है ना ये भी माशाल्लाह काफ़ी है, ये कि हमें आधा पौना घंटा इसी रोड पे रखना है, लेकिन हमारा सफ़र स्टार्ट है। और आप सब लोगों ने हमारे लिए दुआ करने की, हमारा सफ़र खैर खैर से गुजरे और हम भी जो है ना दुआ पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सफ़र हम करते रहते हैं लेकिन आज जो है ना मौसम ख़राब हो रहा है और हमारा जाना भी लाजमी था, हम ना कब से टाले जा रहे हैं टाले जा रहे हैं, तो हमने कहा भाई आज चलते हैं हम। मौसम तो अचानक से भाई देखो कभी कैसे हो जाते हैं कभी कैसे हो जाते हैं, जैसे आज बारिश का मौसम बन गया। प्यारा मौसम है, बहरहाल बहुत मजे का मौसम है। मैं कहती हूँ फूल तेज बारिश ना हो बेशक, लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश होगी ना तो एंजॉय हम करते हुए जाएंगे। ये देखिए बाहर का मौसम इतना प्यारा है ना, ऊपर गहरे गहरे बादल साथ में दोनों तरफ बाग आए हैं ना, हम एंजॉय करते हुए जा रहे ना। 3 से 4 घंटे तक हमारा सफर है और मुलाकात होती रहेगी सफर में, यानी जो जो करते जाएंगे, जो भी मेरी एक्टिविटी होगी ना सब कुछ करते जाएंगे। और फैसलाबाद भाई हम आपको जाके बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, वो तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बाहर दुआ करनी है हमारा सफर खैर खैरियत से गुजरे। हाँ जी, आराम से ड्राइव करनी है, आराम से फोकस रखा हुआ है, ड्राइविंग फोकस करें, आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अभी हम आ गए एक होटल में जो कि हमें रास्ते में पड़ी, छोटी मोटी होटल, लेकिन जो कि हमें भूख बहुत लग रही थी, हमने कहा अभी नाश्ता करें, घर से हमने कोई नाश्ता वाश्ता नहीं किया, जल्दी से तैयारी करके बस निकले, तो हमने कहा था रास्ते में से नाश्ता कर लेंगे। तो अभी भाई होटल में बैठ गए, ऑर्डर दे दिए, तो मतलब उसका नाश्ता करते हैं और आगे का सफर हमारा कंटिन्यू करते हैं। सुहान तंग किया जा रहा है भाई, 11:30 हो रहे हैं, हम बड़ा लेट नाश्ता कर रहे हैं। सुहान कहता है मुझे नीचे छोड़ दो मैंने खेलना है, मैंने कहा कहाँ पे खेलूंगी यहाँ पे ना, वो पूरी होटल खाली पड़ी है सुबह के टाइम में ना, तो जाहिर सी बात है हर कोई अपने कामों में होता है। लेकिन तो फाइनली अभी हम लोग मोटरवे पे चढ़ चुके हैं और पूरे 2 घंटे की ड्राइव के बाद 11:30 से भी पहले हम निकले थे और इस वक्त भाई टाइम हो रहा है 1:30 बजे का, ये देखिए पूरा 1:30 बज रहा है और इस वक्त हम लोग मोटरवे पे चढ़े हैं। हमारा आइडिया था कि हम 2:30 बजे तक फैसलाबाद पहुँच जाएंगे।
ड्राइवर आपका हैवी है। हाँ ड्राइवर एक माशाल्लाह हमारा ड्राइवर है भी, उल्टा मुल्तान में हमें इतना रश मिला है। और तीसरी बात ये कि हम ना आज रोड भूल गए, जो कि हम पहले दूसरे रोड से आते हैं, सीधा सीधा रास्ता होता है, आज हम भूल गए, तो जाहिर सी बात है घूम फिर के रास्ता वो भी लंबा हो गया। तो बहरहाल 1:30 बजे अभी हम मोटर पे चढ़े, तो देखो पता नहीं फैसलाबाद अब कितने बजे पहुँचते हैं। 3 घंटे का वैसे सफर बता रहा था, 4 बजे तक कोई पहुँचेंगे, 4 बजे तक। ये देखिए पीछे जो था ना मौसम, वहाँ पे जो ये अच्छा मौसम था, लेकिन यहाँ पे ना भी थोड़ी थोड़ी धूप निकलती, इधर साइड भी चेक करें, ये देखिए धूप, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी नहीं है, बड़ा मजे का मौसम है। Take the exit toward M4. Continue for 138 kilometers. Islamabad chale. काफी देर के बाद रेस्ट किए मुल्तान। तो भाई बेगम ने मेरे आगे हाथ जोड़े, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नहीं मेरे हाथ जोड़े, अभी तो तुम कह रही थी कि मैं थक गई हूं। थक गए, मैं थोड़ा बहुत थका हूं, लेकिन तुम भी थक गए, कहते मैं ड्राइव करके थक गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर रुकते हैं, मुल्तान से हम लोग सीधे रवाना हुए। तो भाई अभी स्टॉप पे रुके, अभी कोई स्टॉप पे रुके जो कि फैसलाबाद के बहुत नजदीक है, सिर्फ 50 किलोमीटर रह गया है। तो हमने कहा भाई आखिरी रेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद सीधे फैसलाबाद। तो भाई निकलते हैं वहाँ, थोड़ा जो है अपने हाथ पांव सीधे करते हैं, वो क्या हम ज्यादा बैठे बैठे अकड़ जाते हैं। और मैं तो वैसे इसको उठा के जो है सुलाती हूँ गोद में, तो लातों की बैंड बज जाती है। तो बाहर चलो भाई रेस्ट कर ले थोड़ा सा बाहर निकल के, एक होता है रेस्ट सोने वाला, एक होता है करने वाला, हम चलने वाला रेस्ट करेंगे। चलो भाई ये कहाँ पे पहुंच चुकी है हम बेगम, बताओ। फैसलाबाद, ये कौन सी जगह गाइस, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कौन सी जगह ये वाली। हाँ ये हमारे वर्ल्ड के अंदर एक छोटा सा वर्ल्ड है। नहीं बहुत खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, और फैसलाबाद भी बहुत प्यारा है। फर्स्ट टाइम आया मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, मेरे हस्बैंड पहले भी आए लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो बहरहाल फैसलाबाद पहुँच गए। पहली बार आई हो तुम? हाँ मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ भाई। क्लॉक टावर की लोकेशन यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है, तो 20 मिनट में हम अपनी लोकेशन पे पहुँच जाएंगे। और भाई बहुत वैसे प्यारा है, खूबसूरत है फैसलाबाद ना, देहाती जो इसके इलाके थे ना वो भी बहुत प्यारे लगे। बाकी हम जब गाड़ी से उतरेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो ज्यादा बेहतर पता चलेगा, लेकिन अब फैसलाबाद में गर्मी भी बढ़ी है, धूप निकल रही है यहाँ पे सख्त। हम घर से निकले थे, हमने सोचा था कि रास्ते में बारिश होगी, थोड़ी थोड़ी होगी, लेकिन हम इंजॉय करते हुए जाएंगे, या हो सकता है फैसलाबाद में हो रही है बारिश हो रही थी। हाँ हमारे यहाँ हो रही होगी अभी, लेकिन यहाँ पे भाई धूप है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं फैसलाबाद, और फैसलाबाद के इस वक्त हम रेस्टोरेंट भी है। ये कौन सी जगह है? देखो इकबाल स्टेडियम के साथ है, हमने कभी घूमते फिरते खाते पीते इंजॉय करते हैं। और हमारे साथ एक दूसरी फैमिली भी है, चल के मिलते हैं, जो कि हमारा कॉन्टेक्ट था, तो हमने कभी फैसलाबाद जा रहे तो हम फैमिली से भी मिलेंगे इंशाल्लाह। तो भी फैमिली भी है साथ में, आपको मिलवाते हैं। बहुत खूबसूरत है लेने। तो फाइनली अभी हम बैठे हैं रेस्टोरेंट में, और पूरी फैमिली के साथ है, एक हमारी फैमिली और एक सिस्टर की फैमिली। तो ये सिस्टर है हमारी, जो कि भाई फैसलाबाद में स्पेशल हमारा वेलकम किया है। और क्या हाल चाल है, क्या हो ठीक ठाक? बहुत अच्छा लगा है मेरे सिस्टर के साथ मिलके ना, क्योंकि फैसलाबाद में एक तो हम न्यू हैं, फर्स्ट टाइम आए, जाहिर सी बात है भाई पहले तो हमें था पता नहीं कैसा सिटी है कैसा है ना, तो लेकिन ये कि फैसलाबाद बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे भाई सिस्टर से मिलके बहुत, और हमें भी इनसे मिलके बहुत खुशी हुई है, और सिस्टर के साथ इनकी पूरी फैमिली है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो यहाँ पे भाई सिस्टर के भाई हैं, आंटी जी सर, छोटी सी बेस्ट बेबी है, छोटी सी बेबी है। तो यहाँ पे भाई सब के सब बैठे हैं, मेरे हस्बैंड बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं खेल रहे हैं। चलो ठीक है वो भाई, काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से खाना आ चुका है, और खाने में यहाँ पे जी गर्मा गर्म रोटियाँ कढ़ाई है, और साथ में यहाँ पे बारबेक्यू, और यहाँ पे एक कुछ और कढ़ाई। तो भाई जल्दी से खाना खाते हैं, और खाने के बाद फिर हमने भाई फैसलाबाद, वैसे टाइम तो थोड़ा सा रह गया है क्योंकि अंधेरा होने वाला है, लेकिन ये कि जितना हो सकेगा फैसलाबाद घूमेंगे, और फिर जो है ना रात हुई तो फिर रेस्ट भी करेंगे। बड़ी देर लगा दी आपके होटल
वाकई बड़ी देर लगी माजरत। नहीं आपका तो कोई इशू नहीं है, आपने तो नहीं किया, आपकी माजरत। हालांकि मैंने उनसे बोला था कि जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, 20 मिनट का बोल के 40 मिनट में आए कोई भाई। इधर ही रेस्टोरेंट बना, एक साइड पे यहाँ बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, अलग अलग तरह के झूले हैं। तो भाई हानिया ने होना था, हानिया ने भी खुश होना था क्योंकि बड़े बड़े झूले हैं, बट बड़े बड़े बच्चों के हिसाब से। लेकिन जो कि छोटू सा हमारा बच्चा है, छोटू सा है, ये वाली भी छोटू सी है तो इनके लिए यही वाले झूले काफी है। आओ मम्मा बिठाए। भाई अल्हम्दुलिल्लाह से हमने खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद यहाँ पे हम आए हैं फन पार्क। हाँ, फन लैंड है, जो कि बच्चों के लिए, भाई बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी है। तो हम जैसे बड़ों के लिए बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, तो भाई झूले तो हम लोगों ने नहीं लिए क्योंकि मुझसे ज़्यादा या फिर दिलेर कोई नहीं नहीं मजाक की बात है, ये जितने भी हमारे जवान खड़े ना, तो ये सारे कहते हैं चक्कर आ रहे हैं। लेडीज बैठी है तो उनको कोई बैठने नहीं देता है। हाँ तो भाई ये कि बहुत मज़ा आया फैसलाबाद में, हम आए, आपने हमें रिसीव किया है अपने साथ मिलके ना, भी बहुत मजा आया। साथ में आंटी जी भी, आंटी जी भी बहुत नाइस, साथ में खाना भी खिलाया, बहुत शुक्रिया आपको। खाना भी बहुत टेस्टी था, सिस्टर ने खिलाया रेस्टोरेंट पे, हमने कहा भाई इतनी तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ना बहुत मजा आया। और हमारे सिस्टर का ना चैनल भी है कासिम पंजाबी फैमिली के नाम से, और भाई सिस्टर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, ब्लॉग बनाती हैं पंजाबी में, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी जो मादरी लैंग्वेज है ना उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो पंजाबी ब्लॉग बनाती हैं, आप लोगों से भी मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, आप लोग जाएं, आपको भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाएं सिस्टर का ब्लॉग जो है ना वो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भाई आपको ना इंशाल्लाह इनके ब्लॉग बहुत ही अच्छी लगेंगे। रमजान भी आ रहा है, रमजान के ब्लॉग भी आएंगे इंशाल्लाह, मजा आएगा। और ना मैं बताऊँ, ये बता रही थी मैं ना, हर तरह के खाने बना लेती हूँ, तो रमजान में तो अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करेंगी। तो भाई आप लोग ने लास्ट भी देखना है आपको सेहरी की, इफ्तारी की भी मजे मजे की रेसिपीज मिलेंगी इंशाल्लाह। तो अभी हम ना यहाँ पे फन लैंड में थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, क्योंकि रात भी हो रही है ना और अंधेरा हो रहा है, तो घूमते फिरते हैं और फिर भाई अपने अपने घरों को निकलते हैं। हमने तो इनको बोला है कि रात रुके हमारे पास, फिर ये कह रहे हैं कि हानिया अकेली है, हानिया अकेली है। और ना फिर हमने कहा कि ना बस एक दिन के टाइम में हम फैसला घूम लें थोड़ा बहुत जितना हो सके ना उसको कवर करना है, क्योंकि देखिए रोज रोज चक्कर नहीं लगते, फिर ये पांच चक्कर लग गए। हमने कहा सिस्टर से मिल लिया, आंटी से भी मिल लिया, और ये कि थोड़ा सा और घूम लेंगे, यहाँ की और एरिया भी हम देख लेंगे। तो ये कि पहले ये फन लैंड घूम लेते ना, बाकी और बाद में घूमते रहेंगे। नहीं वैसे ये बहुत खूबसूरत जगह है ना, खूबसूरत सा केक दे देंगे, खूबसूरत सा हो ये वाला कर दें। हाँ ये वाला कर दें।